So let's start formally. I am Saeed Vas Gilani and I am director of this institution. And before starting this institution, I worked for eight to ten years in various government departments, various national and international projects. Started my career with the United Nations and ended it as director of data repository project, State Bank of Pakistan, the project that was under the United Nations. So this is all about me. Now इदारे की तरफ तो अदारा आपका है हम आपको यहाँ पे वेलकम कहते हैं आपका इसलिए है कि आप लोग ही वो हैं जो इस इधारे की बैकबोन है तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन फाइव इयर्स अगो तो मेरे साथ जो भी कोर टीम यहाँ पे मौजूद थी उनको मैंने एक बात कही थी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वी आर गोइंग टू ट्रीट आर स्टूडेंट एज एन इसट नॉट एज लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्या होती है कि मेरे बच्चों जब आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं वो समझते हैं कि आपका टाइम पूरा करना है और उस टाइम पूरा करने में आपको घर भेज देना है उसके बाद आप क्लियर करें ना करें कहाँ स्टैंड कर रही हूँ अब ये मुस्कान यहाँ पे मौजूद है फिजिकली मुस्कान मेरे सामने तो नहीं बैठी लेकिन मुस्कान मुझे ये नहीं याद कि मुस्कान का बैच कौन सा था पर जिस भी बैच की थी जिस भी ईयर की थी चाहे साल हो गया या दो साल हो गया आवाज से फ़ौरन मुस्कान हमें पता है कि मुस्कान हमारी बच्ची है और हमारी ओल्ड स्टूडेंट रही है तो हाउ दिस ऑल इज़ पॉसिबल कि हमने यहाँ पे आप लोगों को इस ट्रीट किया। ठीक है, हमने आपको एक अच्छा इंसान बनाना है अच्छा मुसलमान बनाना है और जो मुआरे में अच्छी जगह पे स्टैंड कर सकता हूँ तो आगे मूव करने से पहले क्योंकि मुस्कान यहाँ पे मौजूद है पुरानी स्टूडेंट है मुस्कान जरा अपना इंट्रोडक्शन बताओ किस बैच की हो और जो आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा वो भी नए आने वालों को बताएं फिर हम आगे मूव करते हैं मुस्कान <coughs> बोल जी सकते सर हैं जी जी बताएं बेटा सर मैंने रिसेंटली पिछले साल जो है ना ये ज्वाइन किया था विजन और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया था तो यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मेरा लेवल बहुत ज्यादा कम था लेकिन जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया उसके बाद बहुत कुछ मैंने सीखा और मतलब मैं इस काबिल हुई कि मैं एग्जाम में बैठ सकू और पेपर में जो है वो अच्छा है, स्कोर कर सकू और अल्हम्दुलिल्लाह किया भी है लेकिन अभी तक सिर्फ सिंध के लेवल पे किया है फेडरल पे नहीं किया अभी इंशाल्लाह फेडरल की बारी भी आ जाती है जी सर अभी अप्लाई किया हुआ इनशाला बहुत अच्छा बहुत अच्छा मेरा सफर रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी कंटिन्यू रखू इनशाला जरूर बेटा जरूर देखिए मैं तो मेरे बच्चों जितने भी लोग मेरे पास आते हैं देखिए हमारे को 200 प्लस लोग वो हैं जो ग्रेड 17 तक तमाम डिपार्टमेंट्स में इस टाइम गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पे दर्जनों के हिसाब से हमारे स्टूडेंट ना हो जितने भी प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट है ठीक है और मैं हमेशा ग्रेड सेवेंटीन अचीव करने वालों को भी कहता हूँ कल जिन लोगों की आपसे इंट्रेक्शन हुई ये सारे लोग वो हैं जो वेल सेटल्ड बैकग्राउंड से मौजूद है हमारे स्टूडेंट ही हैं वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं

हमारा रिजल्ट हर साल इम्प्रूव होता जा रहा है कोई महीना ऐसा नहीं है कि हमारे स्टूडेंट क्वालिफ़ाई ना करते हो जिन्होंने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया वो सिर्फ वो लोग हैं जो लिखने से भागते हैं जो काम चोर हैं और जो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमने सिर्फ सुनना है और प्रैक्टिकली वो उस चीज़ को फील्ड में लेकर नहीं आते ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक किसी जगह पे स्टैंड नहीं किया हमें आपसे क्या चाहिए होता है हमें कंसिस्टेंसी एंड सिंसेरिटी चाहिए होती है करवाना हमारा काम है और अलहमद पूरे पाकिस्तान में हम जैसा मॉडल किसी और का नहीं है अल्लाह के कर्म से उसकी रीज़न ये है कि हम यहाँ पे आपकी फैकल्टी में जितने भी लोग मौजूद हैं बल्कि तो मैं आपसे फैकल्टी डिटेल भी शेयर करता हूँ हम तमाम वो लोग हैं जो इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं खुद जो से हैं, एक वेल well सेटल्ड इस बैकग्राउंड से गुजर चुके हैं कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो इस प्रोसेस को छोड़ के अब दूसरी लाइन पे हैं और कुछ वो लोग हैं जो अभी भी इस प्रोसेस में मौजूद हैं जिसमें से आपको माशाल्लाह बहुत सारे सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मिलेंगे और उसके बाद आपको बहुत सारे वो लोग भी मिलेंगे जो अभी तक जौन है वो इस गेम को प्लान करने वाले हैं जो इस सारी चीज़ को लेके चल रहे हैं जो सी एस एस के पेपर सेट रह चुके हैं जो पेपर चेक करते हैं वो सारे लोग भी आपको यहाँ पे मिलेंगे ठीक है तो ये सारा मॉडल जो हमने डिज़ाइन किया इस मॉडल में और उस मॉडल में जो आपको एक आम मार्केट में नज़र आ रहा है जिसको एक जनरली लोग लेके चलते हैं उसमें बेटा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो हमारे रिजल्ट की वजह है वो ये है मेरे बच्चों कि इस मॉडल में आपको ना सिर्फ पढ़ाया जाता है ना सिर्फ आपसे लिखवाया जाता है बल्कि आपको सिखाया जाता है सी एस एस में मेरी बात हमेशा याद रखना सी एस एस इज ऑल अबाउट योर करंट अफेयर एंड इंग्लिश योर करंट अफेयर इज योर नॉलेज एंड इंग्लिश इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर नॉलेज आपकी मैंने तीन क्लासेस रखी हैं जो आपकी ट्रायल क्लासेस होंगी जो आपकी फ्री फॉर ऑल है इसके बाद भी आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा मुझे आप लोगों से मेरे बच्चों याद रखो नियत चाहिए आपसे पिछला जो बैच पास आउट हुआ है हमारे सेवनटीन लोग वो थे जो फुली पेड थे ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मुस्कान इस चीज से वाकिफ है क्योंकि हमारी पुरानी क्लासेज में रही है और सेवनटी लोग थे जो क्लास में थे जिन्होंने पिछला सी एस एस का बैच पास आउट किया है यहाँ पे ये जो सेवनटीन लोग थे ये फुली पेड थे सेवनटी लोग टोटल ओवरऑल थे यानी कि अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी वन लोग वो थे जिन्होंने मोर लेस स्कॉलरशिप की फॉर्म में किसी का डिस्काउंट था किसी का हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप था अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ये किस तरह हुआ है मेरा बेटा? हम लोग सारे जो बैठे हैं, हमारा मोटो बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम को पे कर रहे हैं हम लोग सारे जो करना है वो कर चुके हैं हम लोग यहाँ बैठे हैं बहुत अच्छी जगह बैठे हैं अलहमदुल्लाह के शुक्र है नाउ वट वी वॉन्ट फ्रॉम आर स्टूडेंट एंड वी वॉन्ट टू बेसिकली गिव बैक वी गेन By the grace of ये बात जेन में बिठा लो ठीक है जितने लोग बैठे हैं वो जिस किस्म के उनकी मेरे साथ यहाँ पे अटैचमेंट है जिस तरह आप लोगों को स्टूडेंट्स को किया है, मेरे साथ किसी में भी, जितने भी दो रिटायर्ड कमिश्नर यहाँ पे मौजूद है किसी की उनकी भी कोई ऐसी डिमांड नहीं होती की जनाब हम इसी तरह को मेटीरियल स्टूडेंट्स को लेकर चलेंगे ठीक है तो ये मैं एक मॉडल आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर दिया सो डैट आप जब हमारे साथ इस सफर का आगाज कर रहे हैं आपको ये पता हो कि आप जहा पे मौजूद हैं आपने वहां पे कैसे चलना है अब वो सारी बातें होगी आपकी मॉनिटरी टर्म्स की अब हमें जो आपसे चाहिए वो क्या है हमें जो आपसे चाहिए वो मेरे बच्चों कंसिस्टेंसी और जो करवाएं उसकी पूरी सिंसियरिटी से उसको कवर करना है देखिये हमने आपके लिए जो चीजें प्लान आउट की हैं वो क्या है अभी आपके साथ करंट अफेयर के बारे में मैं बात करूंगा लेकिन कुछ चीजें मैं आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम अलहमदुल्ला थर्टी सेवन परसेंट रिजल्ट अचीव कैसे कर रहे हैं ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा कोई साल ऐसा नहीं जा रहा कि हमारी सी की पोजिशन ना आए कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा कि हमें हमारे स्टूडेंट मैसेज ना करें कि जनाब इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमारी एलोकेशन हो चुकी है और मुझे रिसेंटली एफ डिपार्टमेंट में जाने का इतफाक हुआ है जैन असिस्टेंट डायरेक्टर एफ आई उन्होंने मुझे इनवाइट किया था वहाँ गया हूं, तो मेरे अलहमद को नीचे पार्किंग से ऊपर जाते जाते दस स्टूडेंट निकल आए थे वहाँ पे इस किस्म का हमारा ये सिस्टम बन चुका है तो ये सिस्टम किस तरह अचीव हुआ है हमने जो आपका मॉडल है उसको मेरे बच्चों चेंज कर दिया सी एस एस में मैंने आपको पहले बताया जनरल नॉलेज और अंग्रेजी इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं चाहिए हम आपको यहाँ पे कोई किताबें बेच नहीं बैठे हमने आपको कोई मार्केट की आउटडेटेड किताबें नहीं देनी और एक बात मैं आपको फिर क्लियर कर दूं यहाँ सी एस एस के पेपर चेकर भी मौजूद है आपकी फैकल्टी में आपको उनके साथ भी सेशन होंगे सलमान रफीक प्रोफेसर सलमान रफीक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के टीचर रहे हैं तीन साल सी एस एस के पेपर चेक किए हैं एक चीज मैंने जो अपने मुशाह से सीखी है क्योंकि मेरा ऑब्वियसली बारह साल का तजर्बा इस फील्ड में हो चुका है इस टाइम जितनी मार्केट में आउटडेटेड गाइड्स हैं उनकी हेडिंग्स भी सी एस एस के एग्जामिनर्स को याद है दिस गेम इज ऑल अबाउट योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैं अभी आपको पेपर भी दिखाता हूँ भी मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि पहले तो वो चीज दिमाग से निकाल दें जनाब के आपको नोट्स मिल जाए आप उनको रटा लगाएंगे मार्केट से आउटडेटेड गाइड लेंगे आप टॉप कर जाएंगे बेटा इस इम्तिहान का नाम एक कम्पेटेटिव एग्जाम है कम्पेटेटिव एग्जाम किसको कहते हैं मुकाबले का इम्तिहान जहाँ पे कंपेरिजन हो रहा होता है एक पेपर का दूसरे पेपर से जब आप इस इम्तिहान में उतर रहे हैं तो ये बात जेन में रखें कि आप 21,000 लोग इस इम्तिहान में अप्लाई करते हैं अप्रॉक्सिमेटली पिछले जो 6-7 साल का है 14 से 15,000 लोग अपेयर होते हैं और रिटर्न क्लियर करने वालों की स्ट्रेंथ 500 क्रॉस नहीं कर रही होती चलो मान लिया 14,000 में से नॉन सीरियस भी होंगे नकम्मे भी होंगे अनप्रिपेयर भी होंगे एफर्ट सही तरह ने की होगी लेकिन फिर भी दो तीन स्टूडेंट वो होंगे मेरा बेटा जिनका कंपिटिशन होगा ये दो तीन हजार स्टूडेंट जिनका कंपटीशन होगा मेरे बच्चों इनमें से जो नंबर ले जाएंगे वो वो होंगे जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी अपडेटेड डाटा होगा और अंग्रेजी होगी बस तीन चीजें हैं वो कामयाब है आपको तमाम तरह डाटा हम लोग खुद प्रोवाइड करने वाले हैं ये डाटा किस फॉर्म में है ठीक है सबसे पहली चीज इनपुट है ना इनपुट के बाद प्रोसेसिंग है उसके बाद आउटपुट है ये मेरे जो लेक्चर है मैंने आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ाने हैं इनशाला अजीज करंट अफेयर आई आर पहले मैंने पढ़ाया था आप देखे आई आर टू मैं इनशाला आपका लूंगा जरूर इस्लामिक स्टडी और पंजाबी ये तीन सब्जेक्ट वो हैं जो मैं खुद टीच करता हूँ आपको इस जर्नी में इंग्लिश को हमने तीन सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है दो तो आप सारे सुनते हैं एस और प्रे इससे पहले हमने आपका इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स रखा है हमने तजर्बे की बुनियाद पर यह देखा है कि जो स्टूडेंट हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं इन फेबर दे विल बी वेल प्रिपेयर बाई एंड ऑफ दिसंबर चार महीने का सेशन हम लोग लेते हैं अप्रैल में वो भी शुरू होना है लेकिन अभी जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको ग्रामर ना आती हो उन्हें से बे ना आता हो लेकिन उनकी फाउंडेशन हमने इतनी मजबूत कर देनी है कि उनको हमने अखबार पढ़ना अखबार से डाटा निकालना डाटा को प्रेजेंट करना एक एक चीज सिखा देनी है ठीक है उसके लिए एक तो जनाब आपके ये लेक्चर आगे जो ये पढ़े हुए ये देखें स्क्रीन पर नजर आ रहा है मेरे बच्चों आपको ये आपके तमाम तर लेक्चर हैं, हर चीज एक एक मिनट प्री प्लान है इसके अलावा जो असल काम है जो अल्लाह के करम से आपको हमारे अलावा कोई और करता नजर नहीं आएगा वो मेरे बच्चों ये काम है ये जो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर खोल रहा हूँ करंट अफेयर एक्टिविटी ये आपके अखबारों के आर्टिकल हैं ठीक है थीके? इसी तरह आपका हर आर्टिकल पे काम होगा ऐसे लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैराग्राफ मेकिंग एक इंस्ट्रक्टर जो आपको इंग्लिश ऐसे सिखा रहा है कि अंग्रेजी किस तरह लिखनी है वो हमेशा कहता है इंग्लिश ऐसे तो जनाब आर्ट को सीखा जाता है उसको रट्टे नहीं लगाए जाते है, ठीक है तो आपको थीसिस स्टेटमेंट का पता होना चाहिए आपको जो सपोर्टिंग सेंटेंस है उसका पता होना चाहिए आपको पैराग्राफ फॉर्मेशन का पता होना चाहिए ये सीखने के लिए आपको आर्टिकल्स की अखबार की तरफ आना पड़ता है जो वहां पे लोग लिख रहे हैं वो लोग उस चीज में बहुत महारत रखते हैं अब यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक आर्टिकल सिलेक्ट किया है एक तो हमने इससे सारा कुछ वो निकाल लेना है कि इसका थीसिस स्टेटमेंट क्या है राइटिंग स्ट्रक्चर क्या है उसके बाद हमने कौन सा नॉलेज यहाँ से चाहिए कौन सी वोकेबलरी यहाँ से चाहिए ये देख लो मेरे बच्चों ठीक है फिर आपने यहाँ देखा ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र हुआ है आपको ग्लोबल वार्मिंग नहीं पता ये ले जनाब इस पे सारी वर्किंग स्टूडेंट्स ने की हुई वर्किंग आपको दिखा दें ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये पूरी आउटलाइन की आउटलाइन बन जाती है ये वो राज है जो हमारी कामयाबी का है कि हमने चीजों को देखें जब आपने किसी इदारे को ज्वाइन करना है मकसद तो ये है ना कि आपके लिए चीजों को आसान बना दिया जाए अगर आपका हमारे पास आने से एफर्ट रिड्यूस नहीं हो रही तो हमारे पास ना आओ ठीक है कोई भी इदारा है उसका काम ये है कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम अचीव करवाने के लिए एक वेल रिफाइंड वे में आपसे एफर्ट करवाए ठीक है ये वेल रिफाइंड वे में एफर्ट कब होती है जब आपको चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलती हैं आपको ये सारे लोग कह लेंगे अखबार पढ़ें अखबार पढ़ें अखबार पढ़ें ये कोई नहीं बताएगा कि अखबार में से पढ़ना क्या है अब उसके लिए हमने जो आपका हल निकाला है जिसको इंग्लिश फाउंडेशन का है आपका ये इंग्लिश फाउंडेशन वो है जो आपको बिल्डअप करेगा ऑन द पैरामीटर्स ऑफ करंट अफेयर एंड इंग्लिश एस और ये पैरामीटर्स क्या है कि ये आपके सामने यहाँ पे सब कुछ मौजूद है अब यहाँ पे जरा दो मिनट के लिए ब्रेक लगाएं आप और ये खुद पढ़ें जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है फिर मैं आपसे पूछता हूँ ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इस टाइम हो सकता है आप में से किसी को भी ना पता हो ठीक है लेकिन आप ये जो आपके सामने तीन चार लाइनें आ रही हैं इनको यहीं पढ़ें या आपके सामने बुलेट पॉइंट्स में मौजूद है इनको देखने के बाद आपकी कॉन्सेप्ट ग्लोबल वार्मिंग का क्लियर होता है या नहीं होता वो देखते हैं तो जस्ट टू मिनट्स इसको ग्रो गो, गो थ्रू करें फिर मैं आगे, आगे आपसे बात करता हूँ जी स्टूडेंट्स क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग जी अच्छा मुझे ये बताओ पहले किस किस को पता था ग्लोबल वार्मिंग क्या होती अच्छा बेटा आप लोग ऐसे ही समझे जैसे आप फिजिकल क्लास में बैठे हो ठीक है हमने इस ऑनलाइन सेटअप को स्टार्ट आपकी आसानी के लिए किया है सब ने पार्टिसिपेट करना है जो समझना है दस दफा पूछना है सौ दफा पूछना है

सुमेरा so, आप बताएं बेटा जी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम सर ग्लोबल uh, वार्मिंग जो है वो ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है uh, मतलब ग्लोब मीन दुनिया दुनिया का टेम्परेचर uh, जो है वो ईयर बाय ईयर ग्रेजुअली इंक्रीज होना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इस कारण ग्लोबल वार्मिंग वेरी गुड वेरी गुड चले जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वेरी गुड मेरे बच्चों अब और भी को बोलना चाह रहे जी ईशा आप बताओ बेटा सर बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर है ग्रेजुअली राइज करता है कैसे कि जब हम वो जो सा ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें क्या होता है कि हम लगाते हैं उसमें एक मिरर वो सारा सेट करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए तो वहाँ पे जो सी सन की रेज है वो आती है कुछ जो सी वो ट्रैप हो जाती है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जाती तो वहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट ज्यादा हो जाती है और टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली राइज करना हो, स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हीटअप हो जाता है अब वो जब, जब हीटअप होगा तो वहा कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट है ज्यादा तो जो सी वो ग्लेशियर्स हैं वो क्या होंगे मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे तो जिस ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो टेम्परेचर बेसिकली राइज होगा क्योंकि आइस कैप जो है बहुत कम हो जाते हैं हैं कंडीशन को हम कहते बच्चों जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्सीलेंट मेरे बहुत सही बताया आपने

ओजोन जोन डिप्लेशन हो रही है उस डिप्रेशन की वजह से वो खतरनाक शुआं ज़मीन से आती हैं टकरा के वापस नहीं निकल पाती और ज़मीन का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उसके आगे सोर्सेज क्या हैं जनाब ये हैं उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं ये हैं अब ये चीज़ आपको बताना हमारा काम है और ना सिर्फ ये बताना ये तो एक बेसिक हमने आपका स्ट्रक्चर बना दिया उसके बाद इससे रिलेटेड तमाम तर नॉलेज आपको देना जनाब ये आपके सामने वो आगे जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है इसमें ठीक है जिसके अंदर पेरिस क्लाइमेट डील अगर आप इसका जिक्र नहीं करते ग्लोबल वार्मिंग पे आप ढाई सौ पेजेज लिख आते हैं आपको एग्जामिनर ने पांच नंबर से ऊपर नंबर नहीं देना ये बात जन में रखना है ठीक है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज वन इज यूजलेस एंड अदर इज यूजफुल तो मेरे बच्चों आपने चाहे वो दीन हो दीन में भी एक इल्म नाफे है और दुनिया में भी एक वो है जो आपका इस पेपर के कॉन्सेप्ट में अप्लाई तब हो सकता है जब वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है इस सब के बाद आपको फाइनली जो आउटकम चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं किसी का पेपर मेरे सामने अभी आ जाता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो भी जो आपसे पहले बैच के गुजर चुके हैं तो हमने यहाँ पे इस एनवायरमेंट में आपको प्रिपेयर करना है ये देखिए मेरा बेटा पेपर आपके सामने स्क्रीन पे आने लगा है ये बच्ची नाइनटीन पोजीशन आई है इसकी करंटली शी इज सर्विंग एज एसी ननकाना ए सी ननकाना से बल्कि ए सी मुरीद के ये गई है अब ठीक है तो ये लोग हमारा एसेट है जितने भी लोग मौजूद हैं आज ये यहाँ पे कल आपने भी यहाँ पे जाना है अब इसके पेपर में और एक जनरल जो आपने बातें की फर्क पता क्या है मैं भी आपको दिखाता हूँ ये बात की है जनाब पॉपुलेशन पे अब मुझे आप बताएं पहले फर्क क्या है बात कहां से शुरू हुई है सर इंट्रो से इंट्रों से इंट्रो इंट्रो शुरू हुई ना, में क्या है ये इन चीजों को क्या कहते हैं जो आपके सामने फैक्ट एंड फिगर एक्सिलेंट वेरी गुड फैक्शन फिगर और फैक्शन फिगर में जिन चीजों को सबसे मेन एक आप नाम दें आर्ग्यूमेंट सो हाउ सॉलिड योर आर्ग्यूमेंट इट मीन्स ये आपको जो उनसे डिफाइन करेगा आप कहाँ स्टैंड कर लें तो मेरे बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे सीखना क्या है आपने डाटा कलेक्शन जिसको इनपुट कह लें डाटा प्रोसेसिंग जो आपने हमारे साथ इस सफर में सीखनी है और उसके बाद मेरा बेटा जो बाद की बात है वो आएगी कि आपको लिखना सिखाना है ये सारा सफर वो है जो आपने हमारे साथ इस आठ महीने में करना है ठीक है तो इसके लिए आपको हमने सारे प्रोसेस से गुजारना है उस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपके पेपर भी इस लेवल पे आने अब ये पेपर आप देखोगे ना आपका दिल खुद कहेगा कि ये वाकई इस काबिले के पोजीशन आनी चाहिए दिल कहता क्या नहीं कहता और नो क्या आपको ये पेपर नॉर्मल गाइड से डिफरेंट लगेगा मुनीब क्या ख्याल है यस yes, सर तो मेरे बच्चों दिस इज व्हाट दैट वी हैव टू अचीव अगर ये कोई इदारा कोई मेंटोर आपको दे रहा है तो जनाब आप एक मिनट ना लगाए और उससे जिस लाइन पे आपको चला रहा है उस पर चल पड़े अगर वो आपको सिर्फ गाइड्स दे रहा है सिर्फ रट्टे दे रहा है तो मेरा बेटा मुझसे लिखवा के साइन कर ले ये इम्तिहान आपसे कभी भी क्लियर नहीं होना सारी जिंदगी भी रट्टे मारते रहे तब भी नहीं होना तो मेरे ख्याल से इससे खुल के इससे अच्छी तरह और कोई आपको बता नहीं सकता ना हमने आपको किताबें बेचनी है ना मैंने आपको ये कहा जनाब कि हमने आपसे ये मॉरिटी टर्म्स में कारोबार करना है मैंने आपसे आपकी बात की है और मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे साथ जितनी भी फैकल्टी यहाँ पे मौजूद है एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन पहले दिन उन्हें यह कहा था वी आर गोइंग टू ट्रीट आर स्टूडेंट एज एसेट नॉट एज इस ठीक है तो मेरे बच्चों इस सफर को जिसको आप हमारे साथ आगाज करने जा रहे हैं अपने आप को क्लियर रखें तमाम डाटा आपको हमने देना है तमाम आपकी फाउंडेशन हमारे जिम्मे आई हमें आपसे सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए आपका स्कॉलरशिप टेस्ट भी होना है उसमें तमाम लोग जितने भी हैं जो लोग बल्कि यहाँ पे हमने यहाँ पे एक और आपको बता दू ये वेलफेयर मॉडल है यहाँ पे यहाँ पे कोई यहाँ पे करोड़ों कमाया नहीं जा रहा है से खुद भी फील होगा जो लोग साथ चल रहे हैं यहाँ पे जो लोग लगा रहे हैं जो लोग नहीं लगा सकते वो उन उनपे स्पेंडिंग हो रही है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल है पढ़ने वाले हो आप आगे पढ़ाना आपको अल्लाह की जात ने और हमें अल्लाह ने अगर इस काम के लिए वसीला बनाया तो वी ऑल आर हेयर फॉर योर हेल्थ अब आपका कोई सवाल है तो जनाब पूछे आप कोई क्वेश्चन इजीली अपने आप को अनम्यूट करो कि आप ऐसे ही देखो जिस तरह फिजिकल क्लास में बैठे जितने क्वेश्चन है पूछो मेरा बेटा अनम्यूट करो और पूछो लिख के पूछना लिख के पूछ लो जो बोल सकते हैं हेलो सर जी जी बोलो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर हेल्डिंग सच सेशंस एक्चुअली मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है माय नेम इज़ हुसैन नियाजी आई एम फ्रॉम गिलगित बलिस्तान सो रियली इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी टू इंटरेक्टिंग एंड इंटर ड्रीम था मेरा उससे मुझे लग रहा है आज मैं कनेक्टेड हो रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन ये है सर अनफॉर्चुनेटली हमारी स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं होती है बिकॉज वी आर बिलोंग टू सच रिमोट एरियाज सो फिर उसके बाद हमारी कॉलेज लेवल भी इतनी अच्छी नहीं है यूनिवर्सिटी लेवल भी तो क्या हम इस ड्रीम को रियलिटी में चेंज कर सकते है सर? इतर, राइड बाकी, बाकी हैं सर सर बाकी बातें तो बात की नाम क्या आपका सर। आप लोगों आप आप की तरबियत है ना वो पूरे पाकिस्तान में किसी और के नहीं जो वालों थैंक यू सो सर और सिर्फ और सिर्फ डिवोशन चाहिए बाकी इनशाजीज अल्लाह ने जैसा चाहा जिस सफर का आगाज कर रहे हो अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे और इंशाल्लाह ताला अचीवमेंट होगी क्यों नहीं हो सकते कुछ भी ऐसा नहीं जो ना हो सकता आपका जो पेपर है ना जो मेरा बेटा आपका पेपर है पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ठीक है आपकी एजुकेशन क्या है आप लम्ब से पढ़े हैं आप हार्वर्ड से पढ़े हैं या आप किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े बस पेपर में एग्जामिनर को जो आपने दिखा दिया वही असल गेम है जो सब कुछ है बिल्कुल सर डोंट वरी इंशाल्लाह तला बस कंसिस्टेंसी और एफर्ट मुझे आपसे चाहिए बाकी अल्लाह के करम से सब सेट रहेगा अच्छा जी यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आए न्यूज पेपर कौन सा बेस्ट है जीनत बेटा न्यूज पेपर कोई भी बेस्ट नहीं होता राइटर बेस्ट होता है तो मैं जो आपका है ना इंग्लिश फाउंडेशन की क्लास मैं खुद लेता हूँ और उसके अंदर मैं जिसे प्रेफर करता हूँ मलिया लोधी है मलिया लोधी क्योंकि खुद ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में रही है

डेटा हमने इंग्लिश को डिवाइड कर दिया तीन हिस्सों में इंग्लिश ग्रामर और पढ़ा रहे हैं इंग्लिश फाउंडेशन मेरे पास है और इंग्लिश एस ए जॉन्स है वो आपका जाएगा सर जमान के पास और जो उसकी चेकिंग और उसके ऊपर सारा बेसिस है वो जाएगी वही प्रोफेसर सलमान रफ़ीक के पास जो सी एस एस के पेपर चेकर भी रहे और कोई क्वेश्चन किसी का जी सर ये फिजिकल क्लासेस भी होंगे फिजिकल, फिजिकल भी होंगे बेटा फिजिकल जो लाहौर वाले आपके जो गुलबर्ग कैंपस है वहाँ होंगी वहाँ भी हमने मॉडल यही रखा है क्योंकि बाद स्टूडेंट जो है वो हाइब्रिड पे आना चाह रहे हैं बाद फिजिकल पे तो हमने वहाँ पर प्रोजेक्टर पे क्लासेज हुई कर क्योंकि हमारे जितने भी फैकल्टी में आपको तो पता है सारे लोग कोई कहीं मौजूद है कहीं मौजूद है तो फिजिकल भी क्लासेज वहाँ पे होती रहेंगी साथ प्रोजेक्टर पे वहाँ भी क्लासेज हुआ करेंगी कॉर्डिनेटर वहाँ भी क्लास में रहेगा जी बचो ऑल क्लियर जीनत मेरे से पूछो ना क्योंकि तो मैं तो दोनों चीज़ों को रन कर रहा हूँ कैंपस हमारे लाहौर में मौजूद है ऑनलाइन सेशन फिजिकल से बेहतर होता है एक तो रिकॉर्डिंग मिल रही है जो है आपको सारा डाटा आपको मिल रहा है रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है हर लेक्चर की जिस तरह अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है आपको हर चीज आपकी प्लेट में आपको मिलनी है ठीक है बाकी हमें कोई इतराज नहीं हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स भी आएंगे जो वन एन अ वीक या वन एन मंथ या ट्वाइस ट्विस्ट एन मंथ हमारे पास आना चाहें कैंपस में टेस्ट देने आना चाहें वो भी कैंपस में आते रहेंगे कैंपस तो हमारा एग्जिस्ट करता है ठीक है और साथ में जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं हम ऑनलाइन लेते रहेंगे जी मुदर बेटा सर uh, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हम प्रिपरेशन करेंगे ये सी के एस होगी या बाकी जो इम्तिहान आते हैं

मैं इनशाला आगे आपको चीज़ें दिखाऊंगा हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपने जो जूती कपड़े हैं ना वो भी हमें तस्वीर पर दिखा के पसंद करवाते हैं कि सर ये पहन के इंटरव्यू में, में जाए जी सर मेरी एग्जांपल है ले ले और बताएं <laughs> तो आपके सामने हमारे स्टूडेंट भी मौजूद हैं और अल्लाह के है बेटा आप तो हमें किसी एडवर्टाइजमेंट की भी ऐसा जरूरत नहीं पड़ती पहले एडमिशन शुरू हो गए होते वो उसकी वजह ये है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर जैसे मौजूद हैं

ऑल क्लियर जी मेरे बच्चों एनी अदर क्वेश्चन चलें जी बेस्ट ऑफ लक पूछें पूछें को पाकिस्तान अफेयर सर जैन नहीं करवानी पाकिस्तान अफेयर सर जैन उनके अलावा कोई और करा सकता है पाकिस्तान अफेयर ये गुस्ताखी मेरे ख्याल से नहीं हो सकती जैन जैसा बंदा हो रहा और पाकिस्तान अफेयर कोई और करवाए जी सर हुँ. ज़ैन माशाल्लाह मेरे बच्चों को तकरीबन मेरे ख्याल से छः सात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बदल चुके हैं सी एस एस पी एम एस क्वालिफाइड और एफ आई में असिस्टेंट डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं जी बेटा ऑल क्लियर चलें जी बेस्ट ऑफ लक अपने कोऑर्डिनेटर से और भी कुछ चीज़ें पूछना चाहें तो पूछते रहें कल की ट्रायल क्लास इन्जॉय करें वो आपकी होगी ग्रामर पे इंग्लिश ग्रामर पे और उसके बाद आपका एक रखते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखते हैं बाकी भी जो आपके मामला हों अपने कोऑर्डिनेटर से हर टाइम इन टच रहें जो चीज़ें पूछनी हो हैं वो आपको बताते जाएंगे और मुझ तक पहुंचाते जाएंगे तो इन फिर रेगुलर क्लासेस में आपसे मुलाकात होती है एंड जजाक ला बेटा खुश रहें आप सब भी खैरियत से रहें थैंक यू